क्या इसरो पैसों की बर्बादी है? भारत इसरो पर हर साल 10,000 करोड़ के आसपास खर्च करता है। इतना सारा पैसा जाता कहाँ है और क्या हम इतना सारा खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आपको भी किसी ने ऐसे सवाल पूछे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लास्ट ईयर हमने चंद्रयान 2 पर एक वीडियो बनाया, लेकिन उस पर कॉमेंट्स क्या है? भारत में गरीब लोगों की कमी है क्या? चंद्रयान तो फेल हो गया, पैसा बर्बाद, यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, तो चांद पर पानी ढूंढने से क्या फर्क पड़ता है? न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन जब इसरो का मजाक उड़ाते हैं तब बुरा लगता है, लेकिन जब हमारे ही लोग ये कहते हैं तब और भी बुरा लगता है। लेकिन चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं और इसरो के 3 ऐसे सच एक्सपोज करते हैं जिससे रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। इसरो पर कितना खर्चा होता है, इन पैसों के बदले हमें क्या मिलता है और इससे आपको या मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपको हमारी बातों में दम लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नंबर 1, इसरो पर कितना खर्चा होता है, ऐसे सवाल आने वाला है, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चेयरमैन बने तब बजट्स बर्डन ना बने इसीलिए वो हर महीने सिर्फ 1 रुपए सैलरी लिया करते थे, और यही पैसे बचाने की आदत आज भी इसरो कंटिन्यू करता है। इसीलिए इसरो दुनिया का सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। 2020 में इसरो का बजट था 13,000 करोड़। ये नंबर काफी बड़ा लगता है, राइट? चलो इसे सिंपल करते हैं। अगर भारत का एनुअल बजट 100 रुपए होता तो इसरो की फंडिंग में सिर्फ 44 पैसे खर्च होते। एट द सेम टाइम हमारी पोस्टल सर्विस के लिए हम 14,000 करोड़, सब्सिडाइज राशन देने के लिए 1,15,000 करोड़ और हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए 4,70,000 करोड़ खर्च करते हैं। नहीं नहीं, काम तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम इस नंबर को आइसोलेशन में नहीं एक पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं तब नंबर्स के पीछे का मतलब समझ पाते। जहां नासा का बजट $20 बिलियन है, इसरो उसके 1/10 बजट में काम करती है और फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। कम पैसों में ज्यादा काम करने की इसरो को आदत जैसी है और ये एक्सपोज होना जरूरी है। नंबर 2, इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारी बॉर्डर्स पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, चाइना के नेवल एक्टिविटीज को भी ऑलरेडी 14 सैटेलाइट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और जल्द ही इसरो 10 और सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमारे प्यारे नेबर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये जानने के बाद हम कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के पहले ही डाल सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 4 रुपए कॉस्ट में मार्स तक पहुंचने का मौका मिलता है। मंगलयान का बजट था 450 करोड़, जबकि द मार्शियन मूवी का बजट था 800 करोड़। यानी हॉलीवुड मूवी के आधे बजट में हम एक्चुअली मार्स पर जा चुके हैं। मंगलयान के साथ भारत दुनिया का पहला देश बना जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन की कॉस्ट अगर हम हमारे सारे पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइड करते हैं तो हर इंसान ने 4 रुपए से भी कम में भारत को मार्स तक पहुंचा है। और बताओ, इन पैसों में आदित्य एल1 भारत का सूरज को स्टडी करने के लिए पहला मिशन, गगनयान भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन, नासा नासा के साथ पार्टनरशिप में डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट, जो आज तक का सबसे एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होने वाला है, वो भी मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नासा के लोग भी इसरो पर इतना विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो लगा रहे हैं लेकिन टैलेंट यहाँ का यूज हो रहा है, जो भारत के लिए गर्व की बात। ये सैटेलाइट 2022 में भारत की लॉन्च व्हीकल में भारत से ही लॉन्च होने वाला है। हाउ अमेजिंग इज दैट? डिड यू नो, आज तक इसरो ने फॉरेन कंट्रीज के लिए 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए, जिससे इंडिया की इमेज और रिलायबिलिटी तो इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ छोटा मोटा नहीं इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, और ये सब एक्सपोज होना जरूरी है। नंबर 3, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये स्पेस वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों से अगर आम जिंदगियां बदली नहीं तो इसका क्या फायदा? 2019 के फैनी साइक्लोन के बारे में तो आपने सुना होगा। इसरो के 5 सैटेलाइट की वजह से ओडिशा में 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि इसरो रेडी था। और ओडिशा की यह डिजास्टर मैनेजमेंट फीट इतनी कमाल की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जिन्होंने पहले इसरो का मजाक उड़ाया था, उन्होंने भी इसरो की तारीफ। पिछली बार क्या बोला था? कोविड पैंडेमिक के टाइम इसरो के भुवन प्लेटफॉर्म के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की वजह से प्लानिंग और सर्वेलेंस में हेल्प हुई। डायरेक्ट टू होम के साथ पूरे देश में टीवी पहुंचाने से लेकर क्रॉप मॉनिटरिंग के साथ आने वाले ड्रॉट्स के बारे में फार्मर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक जाने अनजाने में इसरो स्पेस से हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया। तो जब कोई पूछता है कि इसरो से क्या फर्क पड़ता है तो बुरा लगता है, क्योंकि ये ऐसे पूछने जैसा है कि बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट क्यों करें? 15 साल का होने के बाद बच्चा तो कमा सकता है ना। अगर हम हमारे बच्चों के बारे में लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं तो देश के बारे में क्यों नहीं? देखिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होता, प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा सफर सिर्फ सवाल पूछकर खत्म हो जाता। कोई भी देश बिना साइंस में इन्वेस्ट किए एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता, ये फैक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइंस में इन्वेस्ट किया हर पैसा लोगों की लाइफ को बेहतर बनाता है। क्या ये जरूरी है कि हमेशा बुरी चीजें एक्सपोज हो? क्या ये जरूरी है कि सच हमेशा कड़वा हो? आई एम प्राउड ऑफ इसरो और ये कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर आप भी ये मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे असली अचीवमेंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट कीजिए। हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे देश के असली हीरोज हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद नासा को रिजेक्ट किया।
ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत को बेहतर बनाने की उम्मीद रखते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आसमान भी छोटा पड़ जाता है। और ये असली सच एक्सपोज करने से मुझे फर्क पड़ता है।